नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बालाघाट, दिनी सहकारी समिति के किसानों द्वारा दोषी लिपिक की पुनः बहाली पर रोक लगाने के लिए समिति के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित दिनी में 2016-17 में लिपिक पद पर गबन का आरोप लगा था, जो न्यायालय में सिद्ध हुआ है, जिस पर लिपिक फदीस भोयर पर राशि की वसूली लगभग 10 लाख रुपए तय की गई थी, जिसमें लिपिक द्वारा राशि जमा कर दी गई है। वहीं लिपिक को पुनः सेवा सहकारी समिति मर्यादित दीनी में पदस्थ किया गया है। वहीं किसानों का कहना है कि दोषी लिपिक फदीस भोयर को पुनः सेवा सहकारी समिति पर पदस्थ नहीं किया जाए, अन्यथा किसान आंदोलित होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लिपिक द्वारा पहले भी कई अनियमितताएं किया है और ऐसे दोषी लिपिक को पुनः पद देना जो पूर्णतः गलत है। इस पूरे मामले पर हमने दीनी सहकारी समिति के प्रबंधक से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 2016-17 में फदीस भोयर पर गबन का आरोप लगा था, उसमें न्यायालय से गबन की राशि वसूलने के आदेश दिए गए थे। लिपिक द्वारा राशि जमा कर दी गई है और न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे दीनी सरकारी समिति में पुनः पदस्थ किया गया है। अगर किसान विरोध करते हैं, जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है और उनके आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं शंकरलाल ढाके। ढाके जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या वही है, मैंने फदीस भोयर लिपिक था उस समय, मैंने उसकी ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन की में उसमें जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि 17,000 का गबन, 17 लाख, हाँ 17 लाख का गबन पाया गया। फिर उस पर जांच हुई, जांच में फिर पुनः एरा फरी करके 10 लाख करीब का गबन पाया गया। फिर उस पर नोटिस क्या था, केस स्टार्ट हुआ तो उस पर कार्रवाई चलती रही। वो फदीस भोयर को 3 नोटिस गया, उसमें भी उनने संतोषप्रद जवाब नहीं दिए तो उसको निरस्त किया गया। आने वाले समय पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती इस मामले में तो आप किसान लोग क्या करेंगे? किसान लोग आंदोलन करेंगे, इसलिए तो आप चाहते नहीं कि उनके यहाँ नहीं नहीं, 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 नहीं वो कर्मचारी नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश पारदी। पारदी जी, आज आप यहाँ दीनी समिति में आए हैं, क्या मामला है? मामला वही है कि 2016 में हमारे यहाँ के जो पूर्व लिपिक जो थे उनने फदीस भोयर उनने 17 लाख का गबन किया था। 17 लाख गबन करने के बावजूद भी उसको समिति लेटर भेजी कि तुम जवाब दो, उन्हें जवाब स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं करने के कारण समय तुमने सेवा समाप्त कर दिया। सेवा समाप्त करने के बाद केस लड़ा, जो भी लड़ा होगा उससे हम कोई वजूद नहीं है। लेकिन जब उसकी आज भर्ती करने की जो नौबत आई तो यहाँ पर आर्डर टंगाना था कि हम इसकी भर्ती ले रहे हैं। आज हमारे ब्रांच मैनेजर ने, ये मैनेजर साहब ने, सोनेकर जी ने आज 19 तारीख को भर्ती कैसे लिया, जो कि हमारे आवेदन टंगे हुए थे कहाँ? कलेक्टर के पास, DR के पास, ऊपर और डोंगरमाली ब्रांच में सोनेगर साहब को आज भर्ती कर, सोनेगर साहब को भी दिए थे, कल ही दिए थे हमने, और आज उसे ज्वाइनिंग दे दिया उसने। दे दिया, क्यों दिया इसका जवाब देगा सोनेगर साहब? सही बताया सोनेगर ने। तो आप क्या चाहते हो? हमको यही चाहते हैं फोन की, ऐसे चाहते हुए कि घुसखोराज में नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार कर्मचारी हमको नहीं चाहिए। चाहे तो मेरा लिंगमारा हो या दिनी हो, जो भी मेरा गाँव का नया बेरोजगार कर्मचारी है उसकी भर्ती करो ना यार। तुम ऐसे गद्दा लोगों की भर्ती क्यों कर रहे हो आप? मेरे लिंगमारा हो या दिनी हो, मेरे बेरोजगार लड़के बहुत सारे पड़े हैं, कंप्यूटर पाले पड़े हुए हैं, इनकी भर्ती करो ना। आपके जैसे आरोप उन पे लगा है, इसके बाद जैसे यहाँ नियुक्ति होती है तो फिर वही आलम रहेगा, फिर वही भ्रष्टाचार करेंगे, वही भ्रष्टाचार करेगा। सुनो तो, उन्हें भ्रष्टाचार किया तो लिंगमारा का भ्रष्टाचार नहीं किया, अपने परिवार का भ्रष्टाचार किया। आज ही मैंने पूछा कि मेरे से 15,000-20,000 से मेरे को निपटाया, अपने परिवार को निपटाया, तो कल तो मेरे को निपटा सकता है ना काका? भतीजे भी नहीं। SP सोनी का संस्था प्रबंधक भंडारा, आज दिनी सरकारी समिति में कुछ लोगों ने आंदोलन किया था, कोई लिपिक के वसूली का मामला है, क्या है मामला? मामला न्यायालय में केस चल रहा था, न्यायालय से फदीस भोयर विजय हो गया,
जो गबन का मामला था 7,54,000 का, उसने पैसा भर दिया। 9 महीने केस चले छिंदवाड़ा में, पक्ष उसके पक्ष में केस चले गए, उसकी ज्वाइन आज सेवा सहकारी समिति दीनी में कराई गई। पर लोगों का कहना है कि उसे वहाँ नहीं चाहिए, निलंब उस व्यक्ति को नहीं चाहिए, कोई दूसरा लिपिक की मांग की जा रही है। अब आपके पास में आदेश आया तो आगे आप क्या करेंगे इस मामले में? भाई उसका न्यायालय का पालन तो मेरे को करना पड़ेगा। न्यायालय ने जो उचित हमको मार्गदर्शन दिए उस पक्ष में न्यायालय का कहना तो मानना पड़ेगा। दिनी समिति के किसानों ने कलेक्टर साहब को भी और अन्य जगह भी, जिला सहकारी बैंक वगैरह में भी दिया है ज्ञापन, इसको लेकर कोई बड़े अधिकारी में अधिकारी साहब की चर्चा हुई है इस मामले को आगे कहाँ क्या करना है? शीर्ष बैंक से मार्गदर्शन ले लेंगे हम भाई, इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं पब्लिक, तो हमें क्या करना है? जनता का कहना है कि वह भोयर हमें चाहिए नहीं, तो इस मामले में आप के से बड़े अधिकारी से कुछ चर्चा हुई है क्या? मार्गदर्शन लेना पड़ेगा हमको, अभी कोई चर्चा नहीं है। अगर लगातार आंदोलन चलता रहा तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मार्गदर्शन लेंगे, आप मार्गदर्शन जो हमको मार्गदर्शन देंगे उच्च अधिकारी उस प्रकार से कार्य करेंगे। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.